देख अब घर आ गया तो ऐसा मारेगा मुझे। इंस्पायर्ड बाय अनुज। बुला लिया। अरे भाई डुक डुक की एंडिंग हो गई भाई। इनको सब्सक्राइब करो। तू अंदर चल जाए ना, तोड़ दीपांशु तो सांप मिल जाते मुझे। तू भी तो हो दोनों सबसे बड़े सांप। टाइगर अलग रहता, शेर अलग रहता है। तेरी सत्ता जीवन में कभी भी सीधा मत चलो भाई। मैं ब्लॉग डाल देता हूँ उसके साथ, तो स्टोरी की बात कर रहा है। सपना पूरा हुआ बचपन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा ये हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। फिर यहाँ पर थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ कुछ फॉरेस्ट करके भी वहाँ पे जाएंगे। फिर रात को नाइट शो करेंगे, फिर यहीं से रात को इंदौर के लिए निकल जाएंगे। अपना यह ब्लॉग चालू करते हैं। अभी हम कुछ बच चुके हैं, दो हम उठे थे वापस से, पूल में चले गए थे। यहाँ का पूल भी बहुत मस्त है और इनकी यहाँ पे अभी फोटोग्राफी चल रही है। मुफ्ती ने अभी तक अप्रोच नहीं किया तेरे को है? मुफ्ती ने तो दिया है जींस। स्पॉन्सर्ड बाय मुफ्ती। अरे बस बस, ये नेता वाले बहुत चालू। ये बिजलपुर खत्म ही नहीं होता है यार कहीं पे। इनका बिजलपुर ही खत्म नहीं होता है यार। वो नेता वाले फोटो खिंचवाने लग गए। ये सबसे सोबर इंसान है यहाँ पे जो बैठा। फ्यूचर भाई सोमिल, मैं भी बैठता हूँ भाई। अपन कत्ता ही नहीं इसमें तो। ये बस आ गई है ऐसी बस में बैठने के लिए भैया। बस से जाएंगे यार। ये यहाँ का अच्छा है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में खुद ही बस प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री। और बाबूजी से नहीं कॉस्ट तो नहीं होती, वो इनमें काट लेते होंगे। हाँ 1750 रुपये की टिकट दी, इसमें ही कर रहे कटेगा। पैसा है तो बड़ी 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 बातें, पैसा है तो। वहाँ कहाँ देख रहे सुमित? क्या बहुत बहुत चीठा बन गया यार तू। तुझे नहीं दिलाना चाहिए था सब्सिडी में। खैर बिजलपुर पास में लग जाता है ना शहर में। दादा इंस्पायर्ड बाय अनुज। बता दो कितना जी? 100 रुपये का। अंदर की कह रहे था। इस्लाम भी रखते हैं पहलवान। दादा तुमने बताया नहीं तुम इतने फेमस थे दादा। गोली चला रहे दादा जी। अरे अब कितनी जगह है यार, कितनी जगह है। अरे हमें क्या देखने की जरूरत है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। एयरपोर्ट मैंने यही देख ली, मैंने तो यही देख लिया, बस में ही देख ली। बहुत ऊंची बना यार, कैसे बनाते होंगे? मेरे को तो ये समझ नहीं आता इतनी ऊंची है। डर नहीं लगता क्या उनको? मैं स्विमिंग पूल में डाइव नहीं मार पा रहा था। वो वहाँ पे कैसे पहुँच जाते हैं? पैसा कुछ भी करवा सकता है। अरे पैसा कुछ भी कर। अब तो मेरे को देते 500 रुपये, मैं कुछ जाता। अब उसने उनको लाखों करोड़ों रुपये दिए होंगे। 500 का तो कोई नहीं लिया था। बट डीप डाउन वी ऑल नो दैट कुछ महंगा था यार। ये बजट बनाना नहीं चाहिए भाई अपन को। डबल ट्रिपल बच जाता है यार बजट। मेरे वाले चिंता है अभी बेकार बजट बनाते हैं। दो तीन जगह घूमिए बस, 20-25 हज़ार की। घर आ गया। हाँ आप तेरा घर आ गया तो कुछ भी करेगा है ना? हाँ देख अब घर आ गया तो ऐसा मारेगा मुझे। गोरिल्ले नहीं छोड़ के जाएंगे तेरे। अब बोलेगा अब हमने लिया था, हमने 4 साल पहले। अब इसको छोड़ना है इसके माँ बाप से। हाँ अब इसका घर आ गया तो अभी ऐसा करेगा मारेगा माँ बाप से मिलवाएगा। ठीक है मैं तेरे को मान नहीं सकता, यहाँ तो तू भाई बंधु को बुला लेगा। भाई भी बुला ले, अपने भाई उनको भी बुला ले ना। ना नाम तो बता दे। बुला लिया अपने अपने भाई को। अरे भाई डुक डुकी मैं तो यहाँ बैठूंगा। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया भाई अब लग रहा है मुझे कभी मैं घूमने आया हूँ थोड़ा बहुत। हाँ भाई बस में बैठ गया, डुक डुकी में बैठ गया, ऐसा नहीं लग रहा है। बस हो गया ये क्या अपना वो थोड़ी है पूरा सिस्टम। सोमन तो वैसे भी उसके उतर जाएगा, उसके सोमन तो यू भी नहीं दिखेगा अभी, बीच में उतर जाएगा वो। यहाँ यहाँ कूद के भी चल जाए बस, सो रहा होगा जगह होगा। ये एक्सचेंज ऑफर में करना है इसका। इसको नकली दिख रहे हैं।
पर सुंदर जगह है यार ये तो, है ना? ये तेरे को ए चीटिंग है रे, ये कहीं और बोल के क्या दिखा रहे? कलर चेंज हो गया, धूप में रह गए, टैनिंग हो गई। टैनिंग हो गई भाई इनको। ओए अनुज, ओए इनको टैनिंग हो गई, इनको टैनिंग हो गई। इधर तो आ देख, तू हर जगह मुल्तानी मिट्टी बेच। ये देख, ये कलर था और ये कलर हो गया। ये पिंजरे में इनको बांध के रखा, अच्छी बात थोड़ी भाई। ये मोदी सरकार ऐसी खराब है। ये सब रियो पिक्चर के पक्षी आ गए, हर के चीज के वहां तो वहां नहीं अंदर क्यों भर के रखा? ये हलते नहीं तो नकली नहीं लगते? अब इनको अंदर क्यों कर? पर ऐसा कलर आगे से जाता है, इनकी भी डेंटिंग पेंडिंग होती है। साके जाते हैं भर के रखा है। अबे मेल फीमेल रहते हैं पर कलर अच्छा है। अरे पर वहां क्यों चिपक जाते हैं यार? यहां बैठो, यहां बैठो, इधर से नजारा तो अलग ही रहता है। अरे वो मेरे एक दोस्त का व्लॉग है यार, उसको सब्सक्राइब कर देना। सुमेल का छोटा भाई है, बात कर। दे रहा क्या? दे पथारी दोस्ती मस्ती कर रहे थे भाई, इसका देना दे। तेरी माँ आगे ले गया भाई, मजा आया। पर आना है तो गाइस जरूर आओ यहाँ, मैं तो रोज ही देखता हूँ ये जानवर है। आओ से चार जन। अभी हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, जा ही तो रहे हैं भाई तब से। कहीं ना कहीं चले के ही चले जाते हैं। तू अंदर चल जाना, तू और दीपांशु तो सांप मिल जाते मुझे, तुम ही तो हो दोनों सबसे बड़े सांप। अभी डसेंगे ना, अभी आ गया इनका महीना डसने वाला। मैं आ तो गई है, अभी एग्जाम में डसने वाले मुझे। हाँ बड्डे वाले मंथ में, हाँ डस्ता भी हूँ। बहुत बड़ी बनी, ये सांप नहीं दिख रहा ये वाला, देखो ध्यान से। ये सब मिल गए, ये सब मिल गए, ये सुमिल के परिवार मिल गया, अनुज का, अनुज के भाई बंधु मिल गए, दिमाग छोटी दिख जाएगा इधर। दाओ आई हो यार, आयो गए दाओ शेर यार, शेर तो पीछे क्यों बैठ जाते? बार बार नहीं आ रहा, वो आलसी है, वो छांव में बैठा है। अरे भाई ओए ओए, ये तो कुत्तों लगे, काला कुत्ते तो देख लो। आप जैसे देख सकते हैं, हमने सोमिल को सही में भी छोड़ दिया उसके परिवार के पास। हम लोग सब ये तो बोल रहे हैं ना, है ना, पर्ट को बाघ बोलते हैं और टाइगर को चीता। टाइगर को चीता पक्का, लायन को शेर पक्का। हाँ पक्का। कितने कितने की लगा रहा? सोच एक बार वापस सोच। नहीं नहीं, टाइगर को चीता और बाघ। टाइगर अलग रहता है, शेर अलग रहता है। बोलो, टाइगर और चीता एक रहते हैं, ठीक है? हाँ पक्का। टाइगर को ही चीता बोलते हैं या अनुज का? ठीक है, ये होता है शेर, ये होता है असली बाप। अरे बहन का छट दिया बाप बाप। इधर जाओ सामने। हाँ पेट जोन में तेरी तो यहाँ लटक रहा क्या? ये क्या तो घर पे बता के आया करना, अभी व्लॉग देख लेंगे तो। क्योंकि तेरी मम्मी को तो मालूम है मैं व्लॉगिंग करता हूँ। दांत यहाँ से भी दिख रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करता मैं, हाँ यही तो दुश्मन पाल रखे हैं मैंने। कौन तेरी सट्टा छोटी सी दुनिया बनाई है। ओ मन में है विश्वास पूरा। चलो भाई तुम आ जाओ यार, हमको बता दे, जिता दे और जिता दे 5 मिनट में। जिधर जाते उधर रास्ता नहीं होता, उसको उल्टी तरफ जाओ भाई। भाई इससे तुमको सीख मिलती है भाई, जीवन में कभी भी सीधा मत चलो। इधर पेड़ के बंदे नहीं आ गए घूम फिर के।
अपन निकलना यहाँ से नहीं मतलब आधे आ गए अपन यहाँ आधे नहीं पूरा ही गए बोला था हर बार कि हमारे साथ रहा कर पर ये अलग ही चलेगा इसकी जात में ही नहीं है ना साथ में उसने कहा था पानी की आवाज आ जाएगी तब 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 चैन की भी आवाज मैं तो पानी की तो आवाज आई यहाँ से हो रहा हूँ यार ये पर यहाँ से भी जा अरे हाँ घूमा फिरा के लाए ओहो मार गई बाहर जा रहा है अरे आज तो गया था पर मिल गया मैं तो देखो नहीं मिला ढूंढ लिया निकल गया उसको देख के तू हार गया वही पेड़ पे रहे बंदोरी जैसा अरे यार सोमिल तू हार गया एग्जिट इस साइड है जहां मैं जा रहा हूं ऊपर चढ़ के देख ले हां तो ऊपर चढ़ के क्या तूने वो गोला थोड़ी छुआ अभी तक गोला छू लिया पर नहीं आना यार अगर कोई मेरा ब्लॉग देख के आओ ना यहां मत आना मत आना यार बच्चों को भले ले आ सकते हो हां यार मजे नहीं है यहां कुछ ये भी हिटर बीजेपी को सम्मान तोड़ोगे तो असर में लो क्या था ये पाया ये था सबसे बड़ा ये पंगा हां होगा इसके घर पे इसका हिस्सा बड़ा भैया दिख रहा है तो भाई होगा ये दिन का सबसे बड़ा सच्ची बिजलपुर की गली 5 मिनट में लगेंगे सही में भी यार 100 रुपए दिए 5 मिनट में जान गोला घुमाने के बिजलपुर के सिल्लीगंज की गली ना घूम ले इनको इंदौर राजवाड़ा ले जाता हूं बुलबुले ही बताता हूं क्या होता है गाइस फिनिक्स मॉल है मैं बता अरे अपना फिनिक्स मॉल बुलबुले इससे आया तो फ्री में घुमा दो 40 रुपए लगते वो भी कार लेके जाओ तब यहाँ 100 रुपए पाँव 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 धोबी लगते हैं तो ये भाई आ गए अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी में यहाँ से जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे खुद ब खुद चलेंगे पंकज ठीक है ओके ऊपर तक पता कैसे जाते हैं जाके टिकट टिकट आते पूछ ले ये मेरा बचपन से सपना था कि भाई ऐसी चीज होनी चाहिए खुद खड़े रहो खुद चलते रहेंगे पूरा हुआ आज सपना पूरा हुआ बचपन का बैठ जाओ रे पीवीआर आ गए पर ये तो मूवी हॉल के एंट्रेंस है ये तो लाइट है तो देख और लाइट अपने घर में एलईडी देखना और यहाँ की एलईडी देख नहीं बता दिया कि कैसे बना ये पूरा अरे बीजेपी के सारे एलएनटी ले रही है आ गए दोस्तों भाई बिगेस्ट स्टैचू अबे बिगेस्ट स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी अब एक और बन जाएगा बिगेस्ट राम भगवान बनेंगे इससे बड़ा कोई नहीं है क्या मालूम भाई पत्थर से ही बना हुआ है क्या बाबूजी पाँव पड़ लो क्या बाबूजी का पाँव पड़ लो हाँ यहाँ पे भी कमियाँ निकाली पंकज हाँ हाँ थोड़ा मजबूत होता है ना लंबा हेडी मैडम ये दोस्तों फिर हम चलते हैं अभी नीचे ये चलेंगे लाइट पे लाइट शो देखने जाते हैं अभी अभी यहाँ पे तो हमको भगा रहे हैं यही है यार कुछ है नहीं ऊपर जाओ ना तो अच्छा रहता है भाई यहाँ पे क्या देखो भाई मूर्ति देखो यहाँ से नहीं दिखती क्योंकि नीचे देखते हैं नीचे से देखेंगे यो अभी हम आ चुके हैं यहाँ से दिख रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रॉपर जी जी अपने आगे जाके पता चले अपन वो रहे भाई रिपोर्ट मास रिपोर्ट आ रहा है गुजरात से देख यहाँ से भी कितना शानदार व्यू आ रहा है देख वहाँ से हेलो दोस्तों तो अभी हम लोग आ गए हैं ग्लो गार्डन अभी हम लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी में नाइट शो देख लिया था अभी हम लोग आए हैं ग्लो गार्डन पे यहाँ पे देखेंगे ये गार्डन बहुत सुंदर दिखता है यहाँ पे अभी टिकट लेंगे अपने और जा रहे हैं ग्लो गार्डन के अंदर ये आ गया है ग्लो गार्डन के एंट्रेंस मेन कर दी बीजेपी तो बीजेपी रहेगी कितना अच्छा गार्डन बनाएगी दोस्तों अभी हम लोगों ने देख लिया है ग्लो गार्डन अभी हम लोग निकल रहे हैं रिजॉर्ट की तरफ वहाँ पे जाएंगे थोड़ा खाना वाना खाएंगे और फिर हम रात को ही सोच रहे हैं इंदौर के लिए निकल जाएंगे फिर हम इंदौर के लिए निकलते तब आपको मिलता है अभी हम रिजॉर्ट पे जाएंगे थोड़ा रेस्ट भी करना सबके फ़ोन भी बंद हो चुके हैं लगभग हाँ तू कर ले तू व्लॉगिंग भी कर ले तू भी कर ले क्यों बोले तो सही आप पीवीटी वाले भी सब्सक्राइब कर दो
21 रुपए मिले मुझे, 21 रुपए डिविडेंड मुझे 3000 रुपए मिले। हाँ मुझे 3000 रुपए। ओ बात वो ना कि मैं 21 बता रहा हूँ तो 3000 लोग में बता रहा, मैं दूसरा बता नहीं सकता हूँ, मेरा सट्टा बता नहीं सकता हूँ। बोला आप बोल लीगल सट्टा का लीगल स्टेक खेलता साला। कितनी डाली तूने लोगों के साथ, कितनी खिंचवाई पटेल के साथ भाई। मैं ब्लॉग डाल देता हूँ उसके साथ, तू स्टोरी की बात कर रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, इंदौर की तरफ। अगर आप लोगों में से कभी आए यहाँ पे तो एक दिन तो जरूर रुकना, क्योंकि यहाँ पे जो रात का जो सीन है ना सबसे प्यारा सीन है। सरदार वल्लभ भाई जी पटेल तो बहुत शानदार दिखते ही दिखते हैं, दूर से भी और पास से भी वैसे ही दिखते हैं वो तो। जो ग्लो गार्डन है, भूल भुलैया है, जो सबसे बड़ा कुछ नहीं है भूल भुलैया और भी चीज यहाँ पे एक्टिविटीज दुनिया भर की है, पर हम चीजें करने में हमारे पास टाइम कम था, पर फिर भी बहुत मजा आया हमको आज के दिन। तो मतलब ये इसके अंदर आते ना, इसका जो एरिया है पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लाइटिंग ही लाइटिंग, लाइटिंग ही लाइटिंग, दुनिया भर की लाइटिंग कर दी है। तो भाई वो अभी बच चुके हैं रात के 10 और हम लोग निकल रहे हैं अभी अपने इंदौर के लिए खाना बना। अभी इनकी साइड पे रेस्टोरेंट है, अभी खाना खाएंगे और फिर निकलते हैं इंदौर के लिए। ब्लॉग में आओ मेरे, ब्लॉग में आओ ये लगा। और भैया आप भी बोल और लोबो ब्लॉग से।